जय हिंद बच्चों। धन्य है ये भारत भूमि जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत योगी यति तपस्वी सिद्ध सन्यासी अवधूतों ने जन्म लिया है। और धन्य ये भारत भूमि जहां पर इन सभी लोगों ने अपनी कर्मभूमि को भारत रखा है। और इन लोगों ने निर्मल हृदय से विशुद्ध मन से प्रेम के साथ सद्भावना के साथ इस भारत भूमि में रह रहे गरीब वृद्ध असहाय निःशक्त विकलांग कोढ़ के रोगी अनाथ सभी प्रकार के लोगों की सेवा की है। वह भी बिना किसी भेदभाव के बिना पक्षपात के, चाहे वह भाषा के आधार पर हो, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, चाहे वह प्रांत के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सभ्यता संस्कृति धर्म किसी भी चीज़ के आधार पर हो, इन लोगों ने किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया है। तो इसी में जुड़ी हुई एक महान कड़ी जिनका नाम है मदर टेरेसा। तो बच्चों आज हम लोग मदर टेरेसा के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म भारत में नहीं हुआ था, परंतु इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तो कितनी बड़ी बात है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्रों, यू आर कॉर्डियली वेलकम टू माई चैनल। आप सबों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। द नेम ऑफ दिस चैनल इज लर्न विद साकेत निर्गुण एंड द टाइटल ऑफ टुडे सब्जेक्ट इज टुडेज स्टोरी इज मदर टेरेसा, यानी कि मदर टेरेसा, माँ टेरेसा। तो यू मस्ट हैव हर्ड, आपने अवश्य सुना होगा द नेम ऑफ मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा का नाम आप सबों ने जरूर सुना होगा। शी वॉज नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, वह हमारे देश से नहीं थी, बट शी वर्क इन इंडिया, लेकिन उन्होंने इंडिया में काम किया फॉर अ लाइफ टाइम, और जीवन भर उन्होंने इंडिया में ही काम किया। कितनी बड़ी बात है, वह हमारे देश की नहीं थी लेकिन उन्होंने जीवन भर काम किया। शी गेव द मैसेज ऑफ लव, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया। एंड मेड द पीपल रियलाइज, और लोगों को मेड काउजेटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी करवाती है। तो उन्होंने रियलाइज करवाया, मनवाया। क्या मनवाया? हाउ टू प्रमोट द पीस इन द वर्ल्ड। इसका उल्टा अर्थ लगाइए, मतलब पीछे से इसका अर्थ लगाइए, संसार में शांति को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे फैलाया जाए, इसको उन्होंने लोगों को रियलाइज करवाया। कैसे करवाया हम लोग आगे सीखेंगे। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट सेंट, मदर टेरेसा एक महान संत थी। शी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910, यानी 1910 ईस्वी 26 अगस्त को उनका जन्म हुआ इन स्किपीज मैसेडोनिया। तो मैसेडोनिया में स्किपीज में उनका जन्म हुआ। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, वह सबसे छोटा छोटी बच्ची थी ऑफ एन अल्बेनियन बिल्डर, अल्बेनिया के भवन निर्माता। बिल्डर मतलब होता है बनाना, बिल्डर मतलब निर्माता। तो अल्बेनिया के एक भवन निर्माता की सबसे छोटी बेटी थी। हर अर्ली नेम वॉज एग्नस, यानी शुरुआती नाम उनका एग्नस था, प्रारंभिक नाम उनका एग्नस था, बचपन का नाम उनका एग्नस था। बट सी इज पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा, लेकिन वह मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती है, पॉपुलर हुई। सी टुक हर इनिशियल वॉज एज नन, वॉज मतलब होता है शपथ लेना। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शुरुआती शपथ एक नन के रूप में लिया। नन का मतलब होता है महिला सन्यासिनी, महिला सन्यासिनी जो विवाह नहीं करती हैं, संसार से मतलब नहीं रखती है, ईश्वर की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ईश्वर के ओर अपना मन लगाना, यही उनका धर्म कर्म होता है। तो सी टुक हर इनिशियल वॉज एज नन, यानी उन्होंने प्रारंभ में नन के रूप में शपथ लिया। फ्रॉम 1930 टू 1948, यानी 1930 से 1948 तक मदर टेरेसा टॉट, यानी मदर टेरेसा ने पढ़ाया एट सेंट मैरीज हाई स्कूल कोलकाता, यानी कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में उन्होंने 1930 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक पढ़ाया। बट सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपल, यानी लोगों की कष्ट और गरीबी को मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। तो उनकी गरीबी को देखकर उनको बड़ी दया आई, जिसके वजह से उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ाना छोड़ दिया। यानी कि लोगों की गरीबी और पॉवर्टी ने मदर टेरेसा को गवर्नमेंट स्कूल छुड़वा दिया। यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा, यहाँ मेड लिखा हुआ और यहाँ पे लिव है, तो ये काउजेटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो लिव मैंने छोड़ना, और जब काउजेटिव वर्ब बन जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा छुड़वाया। तो लोगों की
कष्ट और परेशानी और गरीबी को देखकर गरीबी ने मदर टेरेसा को कॉन्वेंट स्कूल छुड़वाया। सी डिवोटेड हर सेल्फ टू वर्क, वो समर्पित हो गई, स्वयं को उन्होंने समर्पित कर दिया टू वर्क, काम में, एमोंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन द स्लम्स। स्लम मतलब होता है गंदी नाली या बस्ती, बस्ती होता है गंदी बस्ती, तो गंदी बस्ती में जो गरीब लोग रहते थे, गरीबों में जो गरीब थे, तो उन्होंने उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। और ये गंदी बस्ती कोलकाता की गंदी बस्ती थी। ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, यानी कि जबकि, और जहाँ भी जबकि लग जाए या ऑल दो लग जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कुछ उल्टा अर्थ या उल्टा कथन के बारे में कहा जा रहा है। तो ऑल दो सी हैड नो फंड, यद्यपि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास फंड नहीं था, जबकि सी हैड नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं था, सी हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था, सी हैड नो फंड यानी उनके पास पैसा नहीं था, सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल, उन्होंने शुरू किया एक खुला, खुले हवा में एक स्कूल चलाना शुरू किया, फॉर स्लम इन चिल्ड्रेन, फॉर स्लम चिल्ड्रेन यानी कि डर्टी एरिया में, गंदे एरिया में, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए उन्होंने खुली हवा में पढ़ाना शुरू किया। कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है शायद वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाती हों, किसी खुले स्थान पर बैठकर पढ़ाती हों, जबकि उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल, उन्होंने खुली खुला विद्यालय शुरू किया। इन 1950 यानी 1950 में सी स्टार्टेड मिशनरीज, तो 1950 ईस्वी में उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है उदारता के कार्य, दातव्य यानी दिए गए, अर्थात चैरिटी, जैसे चैरिटी यानी देना हो गया, तो देना हो गया कि आप खुले मन से किसी काम की भलाई के लिए अगर आप दे रहे हो तो उसे चैरिटी कहते हैं। तो उन्होंने एक स्थापना की मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यानी कि एक संस्था है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, और ये चलती है, कैसे चलती है, तो लोगों जो उसमें पैसा देते हैं उनसे चलती है। शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स, उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने ख्याल रखा, किसका ख्याल रखा उन्होंने, दोज पर्सन्स यानी वैसे लोगों का ख्याल रखा, हुम यानी जिसको, नो बडी यानी कोई नहीं, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल किया, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, तो उन्होंने उनसे प्रेम किया, उनका ख्याल रखा, वैसे लोगों का ख्याल रखा जिसको, हुम मतलब जिसको, कोई नहीं देखभाल करता था, ऐसे लोग थे, सोशली नेग्लेक्टेड यानी समाज ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, गौण नहीं दिया, गौण कर दिया, ऐसे लोगों की वो देखभाल करती थी मदर टेरेसा। शी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस, उन्होंने रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, उन्होंने प्राप्त किया, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत से, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत से, और जहाँ पे ए नंबर ऑफ आए उसके बाद जो भी नाउन आता है वो प्लुरल में होता है। यहाँ पे देखिए ए नंबर ऑफ अवार्ड्स डिस्टिंक्शंस, तो बहुत से अवार्ड्स को यानी पुरस्कार को प्राप्त किया, डिस्टिंक्शंस यानी विशेषणों को, विलक्षण को प्राप्त किया, क्या, सी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल यानी राष्ट्रीय पुरस्कार एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। तो हुए तीन को बहुत से प्राप्त, लेकिन कुछ के नाम दिए जा रहे हैं, सम ऑफ देम आर पोप जॉन 13, इनमें से कुछ है पोप जॉन 13 पीस प्राइज, दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है मैग्सेसे अवार्ड, और तीसरा जो हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, एंड नोबेल पीस प्राइज इन 1979, और 1979 ईस्वी में इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला, और नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म, तो ऐसा नहीं था कि मदर टेरेसा का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण था, बल्कि इन्होंने बहुत से कठिनाइयों का सामना किया, आलोचनाओं का सामना किया, फेस मतलब सामना करना होता है, तो इन्होंने सामना किया, सामना करना पड़ा था, हैड टू फेस यानी ऐसा करना पड़ा था, आई हैड टू गो टू देयर यानी मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू राइट मुझे लिखना पड़ा था, तो मदर टेरेसा हैड टू फेस उनको सामना करना पड़ा था मेनी डिफिकल्टीज बहुत सी समस्याओं का, एंड क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाओं का, अर्थात
मदर टेरेसा की भी निंदा शिकायत आलोचना उतनी ही होती थी जितना कि सामान्य लोग की। बट सी वाज अनडेटेरेटेड अनडेटेड बट सी वाज अनडेटेड। अनडेटेड का मतलब होता है डर से न रुकी हुई। तो उन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन कभी भी वो डर से रुकी नहीं। सी सेट, देखिए इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके अर्थ बहुत अच्छे हैं। सी सेट, उन्होंने कहा नो मैटर, कोई बात नहीं। नो मैटर मतलब कोई बात नहीं। हु सेज वाट, कौन क्या कहता है, हु मतलब कौन, कौन क्या कहता है, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। यू शुड एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको जो भी आपको कुछ कहता है तो कोई बात नहीं, कहने दीजिए और आप उसको स्वीकार कीजिए। ऐसा नहीं कि उसका प्रतिकार करेंगे, कुछ भी नहीं, आपने जो कहा मैं इसको स्वीकार करता हूँ विद ए स्माइल। और स्वीकार कीजिए कैसा, गुस्सा के साथ नहीं बल्कि मुस्कुराहट के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ आप उसको स्वीकार कीजिए। एंड डू योर ओन वर्क, डू मतलब कीजिए, योर मतलब आपका, ओन मतलब अपना, आप अपना काम कीजिए। यानी कि कोई भी अगर कुछ भी कहता है तो उसे घबराइए मत, जो भी कहता है उसको आप पहले स्वीकार कर लीजिए। अगर स्वीकार करेंगे तो अपनी कमियों को देखेंगे, उसे आप सुधार करेंगे। विद स्माइल यानी कि दुश्मनी की भावना से, दुर्भावना से स्वीकार नहीं करना है, खुशी के साथ स्वीकार करना है और फिर अपने काम में लग जाइए। आफ्टर रिसीविंग द नोबेल पुरस्कार प्राइज, यानी कि नोबेल प्राइज को प्राप्त करने के पश्चात, नोबेल प्राइज को पाने के बाद, सी एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दिया, टू एडवाइस्ड पीपल, लोगों को सलाह दिया, क्या कहा, टू गो बैक होम यानी वापस घर जाइए, एंड लव देयर फैमिली, तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी अपने अपने घर जाएं और अपने फैमिली से प्रेम कीजिए। तो उन्होंने सलाह दिया कि आप सभी अपने अपने घर जाइए और अपने अपने परिवार से प्रेम कीजिए। क्यों प्रेम कीजिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस यानी संसार में शांति को फैलाने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए, शांति को प्रमोट करने के लिए अपने अपने परिवार को, परिवार से प्रेम कीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बच्चों कि कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तान में हैं और यहाँ से बैठकर हम नीदरलैंड को, अमेरिका को, जापान को, जर्मनी को, चीन को, किसी को बदल नहीं सकते हैं। तो हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया है जैसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे जो आप लोग हैं, तो हमारी यही दुनिया है, मेरा पड़ोस। तो अगर यदि हम प्रेम पूर्वक रहेंगे, शांति पूर्वक रहेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उनकी भलाई के बारे में सोचेंगे, तो मेरी दुनिया बदल गई, तो ये मेरी दुनिया है। अगर यदि हर कोई अपनी अपनी दुनिया को बदले तो क्या दुनिया में शांति, सुख, खुशहाली नहीं आएगी। तो यही मदर टेरेसा का मानना था कि आप सबको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने अपने परिवार से प्रेम कीजिए। अगर आप अपने परिवार से प्रेम करेंगे तो संसार में अपने आप शांति का साम्राज्य आ जाएगा। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली एबोड, तो लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, एबोड का मतलब होता है निवास स्थल या लोक। कहने का तात्पर्य है, इस सेंटेंस का अर्थ होता है कि मदर टेरेसा ने स्वर्ग की यात्रा के लिए अपना शरीर छोड़ा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हुई ऑन 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1997 यानी 1997 ईस्वी 5 सितंबर को उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। एट द टाइम ऑफ हर डेथ यानी मृत्यु के समय, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने जिस संस्था की स्थापना की थी, हैड ओवर 4,000 सिस्टर्स, उसमें 4,000 बहनें थीं, एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड यानी कि उनमें कितने भाई जुड़े हुए थे, ऑफ 300 मेंबर्स, उसमें 300 मेंबर्स थे, और 610 मिलियंस यानी कि 600, क्षमा कीजिए, 610 मिशनरीज इन 123 कंट्रीज यानी कि 123 देशों में 610 मिशनरीज थी, जिसमें 300 मेंबर्स थे और 4,000 बहनें थी। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि जिसके पास कोई फंड ना हो वो अपने मृत्यु तक इतना बड़ा संस्था को चला दे। दिस इंक्लूडेड यानी इनमें शामिल थे हॉस्पिटल्स एंड होम्स फॉर पीपल विद HIV एड्स, यानी कि ये चैरिटीज काम करती थी हॉस्पिटल यानी कोई बीमारी है, निःशक्त है, उनकी सेवा करने काम, होम्स फॉर पीपल विद HIV एड्स यानी जिनको HIV हो गया है, एड्स हो गया है, इस बीमारी के लिए काम करते थे, लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ,
एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी जिनको टीबी हो जाए। टीबी आज के समय में बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उस समय के लिए टीबी होना बहुत बड़ी बीमारी थी। सब उनसे दूर हटके रहते थे, छुआछूत की बीमारी है। चिल्ड्रेन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स यानी कि बच्चों के लिए और परिवार के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार में कोई समस्या है, जो व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक कलह है, बच्चों के साथ कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, तो इन समस्याओं को एक्सपर्ट के द्वारा सलाह विचार परामर्श करके समझाया जाता है और समस्या को सोल्व किया जाता है। ये लोग समय समय पर ऐसा काम करते थे। पर्सनल हेल्प्स यानी व्यक्तिगत सहायता, ऑर्फनेज यानी अनाथालय एंड स्कूल्स, उसमें स्कूल्स भी थे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल है, एचआईवी एड्स के रोगियों की व्यवस्था है, रोगियों के लिए व्यवस्था थी। कोढ़ी आप जानते हैं, छुआछूत के कारण छूत की बीमारी है, सब इनसे दूर रहते। ट्यूबरक्लोसिस है और चिल्ड्रेन और फैमिली काउंसलिंग क्लास है, क्योंकि पारिवारिक समस्या तो हर प्रकार के परिवार में होती है, चाहे बड़ी हो, छोटी हो, शिक्षित हो। इसके पश्चात अगर किसी को व्यक्तिगत सहायता चाहिए, अनाथालय है, स्कूल है, तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा था। मदर टेरेसा वाज गिवेन ए स्टेट फ्यूनरल। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको राजकीय अंत्येष्टि की गई। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई, अंतिम सम्मान किया गया। क्यों किया गया? इन ग्रेटिट्यूड यानी उनके प्रति आभार के रूप में, कृतज्ञता के रूप में उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। फॉर हर सर्विसेस यानी कि उनकी सेवाओं के लिए, किसकी सेवा उन्होंने की? टू द पुअर ऑफ ऑल, जो कि सभी उन्होंने सेवा किया। ऑल द रिलीजियस इन इंडिया यानी भारत में सभी धर्मों के गरीबों के लिए उन्होंने सेवा की। उन्होंने कभी भी कोई जाति, लिंग, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया। उन्होंने मानव मात्र की सेवा, मानवता के लिए सेवा किया है। तो बच्चों, इस कहानी का मोरल ये है कि वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप यानी कर्म ही पूजा है। सो वर्क एज वर्शिप यानी कि काम ऐसे कीजिए जैसे कि आप पूजा करते हो। और बच्चों, एक बात और भी कहना है कि मरण तो सबका होता है यानी मृत्यु तो सब सबकी होती है, परंतु स्मरण सबका नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है मरण और स्मरण, तो मरण और स्मरण में थोड़ा सा का अंतर है, सिर्फ आधा स का, और इसी आधा स के लिए मनुष्य अपना जीवन लगा देता है। तो हमें भी ऐसा काम करना है, हमें जीवन भर उस आधे स के लिए संघर्ष करना है और कुछ ऐसा करके जाना है कि हमारे ही मरण के बाद हमारा स्मरण हो। तो बच्चों, आज इतना ही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका भविष्य सुखमय हो, उज्जवल हो। जय हिंद।